द श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखेंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। पार्टी के फैसले का ऐलान करते हुए टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने कहा कि एक पार्टी है जो सिर्फ बोलती रहती है, तृणमूल जो कहती है वो करती है। शेख को बंगाल पुलिस ने गुरुवार 29 फरवरी की सुबह नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से शाहजहां को गिरफ्तार किया गया। वे 55 दिन से फरार चल रहे थे। पुलिस ने उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। साउथ बंगाल के एडीजी सुप्रतिम सरकार ने कहा है कि वे 5 जनवरी को ईडी अफसरों पर हुए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल थे। उसे इसी मामले में गिरफ्तार किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ईडी की टीम पर हमले में शेख शाहजहां ने अपनी भूमिका कबूल कर ली है। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद हिमाचल पॉलिटिक्स में हलचल तेज हो गई है। धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और बागी विधायक सुधीर शर्मा के समर्थकों में झड़प हो गई। उधर पूर्व सीएम वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह ने विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया की सस्पेंशन की कार्यवाही पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये फैसला हाईकमान को लेना था। भाजपा ने भी अपनी सभी विधायकों से कहा है कि वे शिमला में ही रुकें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अयोग्य ठहराए गए विधायक जाहिर तौर पर हमारे होंगे। अगर प्रतिभा सिंह भाजपा में आती हैं तो उनका स्वागत है। इस फैसले से हिमाचल की कांग्रेस सरकार गिरने का खतरा टल गया है। हिमाचल में कुल 68 विधायक हैं। इस फैसले के बाद कांग्रेस के पास अब 34 एमएलए बचे हैं। भाजपा के 25 विधायक हैं, जबकि 3 निर्दलीय हैं। अगर 3 निर्दलीय और भाजपा मिलते हैं तो 28 ही विधायक हो रहे हैं। अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आई तो कांग्रेस सरकार आसानी से बहुमत साबित कर लेगी। हालांकि अगर विक्रमादित्य और उनका खेमा बगावत करता है तो फिर सरकार खतरे में आ जाएगी। मैं शुरू में भी यही कह रही थी कि एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में और सरकार में। इन्होंने उसकी तवज्जो ही नहीं ली, बल्कि मैंने नाम भी दिया इनको कि मैंने कहा इनको लगा दो, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी करेंगे सरकार में और पार्टी में, तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। आज उसी की जरूरत पड़ गई ना, तो अब ये कह रहे हैं कि हम हाईकमांड इसको डिक्लेयर करेगा। लेट अस सी किसको लगाते हैं, फिर उनके थ्रू हम कोऑर्डिनेट करेंगे। पिछले साल नवंबर में उत्तरकाशी में एक टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले रैट माइनर वकील हसन के दिल्ली के खजूरी खास इलाके में स्थित घर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने बुलडोजर चला दिया है। डीडीए के मुताबिक ये घर जिस जमीन पर बना था वो सरकारी जमीन थी, लेकिन वकील हसन का दावा है कि उन्हें इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। वकील हसन के मुताबिक डीडीए के अधिकारी और पुलिस बुलडोजर के साथ बुधवार को अचानक उनके घर पहुंचे और घर तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या आपके पास कोई नोटिस है, तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिखाया। वकील हसन ने बताया कि सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर पुलिस उन्हें थाने में ले गई और घंटों बैठाया। वकील हसन ने कहा कि उनके पूरे परिवार ने रात फुटपाथ पर बैठकर गुजारी और पड़ोसियों ने उन्हें खाना दिया। 80 साल के बुजुर्ग की मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर मौत की खबर है। गुरुवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इस मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल बुजुर्ग ने व्हीलचेयर की डिमांड की थी जो एयर इंडिया ने उस समय पूरी नहीं की। पैदल चलकर जाने के कारण बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इसकी जानकारी एयरलाइंस ने 16 फरवरी को दी थी। डीजीसीए ने एयर इंडिया को शो कॉज नोटिस भेजा था। इसके जवाब में एयरलाइंस ने बताया कि कपल अमेरिका से आया था। पति पत्नी दोनों ने व्हीलचेयर की डिमांड की थी। उनकी पत्नी व्हीलचेयर पर थी। वे अपनी पत्नी के साथ इमिग्रेशन क्लियरेंस की प्रोसेस पूरा कर रहे थे। उस दिन व्हीलचेयर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी, इसके चलते हमने थोड़ा इंतज़ार करने को कहा ताकि हम दूसरी व्हीलचेयर का इंतज़ाम कर सकें, लेकिन वो पत्नी के साथ पैदल ही चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद बुजुर्ग गिर गए। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर मेडिकल सुविधा देने के बाद
नानावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। एसजीपीसी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राम रहीम को पैरोल दिए जाने का विरोध किया था। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि अब आगे से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल देने से पहले हाईकोर्ट से अनुमति ली जाए। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिलने वाली पैरोल को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राम रहीम को अदालत से पूछे बिना पैरोल ना दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस तरह और कितने लोगों को अब तक पैरोल दी गई है। राम रहीम सुनारिया जेल में हत्या और दुष्कर्म की सजा काट रहा है। हरियाणा सरकार बार बार राम रहीम को पैरोल पर बाहर निकाल देती है। उसका ज्यादातर वक्त जेल से बाहर ही कट रहा है। द श्रेष्ठ भारत शो में ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।